सो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू डायरी। और आज मैं आया हूँ दीक्षा भूमि, एशिया का सबसे बड़ा बुद्ध विहार है ये। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा, दीक्षा भूमि का पूरा दर्शन कराऊंगा। अभी हम लोग फिलहाल पार्किंग में हैं, हमारी गाड़ी लगाया है, अभी यहाँ से हम लोग सामने जाएंगे। ये जो दीक्षा भूमि है, ये जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के अंदर नागपुर करके एरिया है, ये वो जगह पे आती है। और इसको महाराष्ट्र का सबसे बेस्ट धार्मिक स्थल भी माना जाता है। और दशहरे के दिन यहाँ पे और बहुत भीड़ रहती है, जहाँ वहाँ से मतलब चारों तरफ से पब्लिक आती है यहाँ पे। और यहाँ पे आने के बाद एकदम पीसफुल सा एक मतलब ये लगता है, मतलब दिल को शांति, मतलब एकदम पीसफुल वातावरण है यहाँ का। और हमें अभी यहाँ पे यहाँ के पार्किंग में, और यहाँ की पार्किंग भी बहुत बड़ी है, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ पार्किंग, ये पूरा पार्किंग एरिया है। ये देखो यहाँ पे पूरी गाड़ियाँ लगी है, और ये पूरा भी मतलब ये पूरा भी स्ट्रक्चर बन रहा है, मतलब बना हुआ पहले से था लेकिन इसको रिकंस्ट्रक्ट और कर रहे हैं यहाँ पे। तो अभी मेन गेट से हम लोग एंट्री लेने वाले हैं। मेरे साथ मेरे दो दोस्त हैं जो आज हमको पूरा फुल सपोर्ट कर रहे हैं शूट के लिए, नहीं तो कोई नहीं मिलता। सबसे पहले पार्किंग देखेंगे अपन, पार्किंग कितनी लगी जाती है। 20 रुपये पार्किंग है यहाँ पे कार का, मोटरसाइकिल का 10 रुपये है, ऑटो रिक्शा का 10 रुपये। साइकिल की पार्किंग नहीं लगती क्या? साइकिल फ्री है, बहुत सही। कार है ना? हाँ कार है, वो साइकिल जैसी है। डीजल लगता है, पेट्रोल लगता है। यहाँ से होती है एंट्री, ये मेन रोड दीक्षा भूमि का, ये है दीक्षा भूमि का मेन गेट, यहाँ से एंट्री लेना पड़ता है। तो अभी अपन यहाँ से एंट्री लेंगे। तो अभी हम लोग आ गए दीक्षा भूमि मेन गेट के सामने, और इसका जो स्ट्रक्चर है पूरा ताजमहल जैसा है, चारों तरफ से देखोगे तो आपको सेम दिखेगा। अभी इसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ऊपर में जैसे टाइल्स लग रहे हैं, तो अभी वो शायद अपना दशहरे के पहले ख़त्म हो जाएगा, तो देखने में फिर और इंटरेस्टिंग लगेगा। तो वो वाला भी अपन वीडियो कवर करेंगे। तो अब एक्चुअली चारों तरफ से यहाँ पर पब्लिक आएगी, तो वो बहुत ही अच्छा यहाँ पर प्रोग्राम होता है। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको पूरा दीक्षा भूमि खाली है, मैं खाली कैसा दिखता है वो दिखाऊंगा आपको, तो वीडियो में बने रहिए। और एक बात मेरे को यहाँ पे अच्छी लगी कि यहाँ पे फ्री एंट्री है, टिकट नहीं लगती है, तो वो भी बहुत अच्छी बात है कि फ्री में एंट्री है। बाकी कुछ कुछ जगह पे जैसा एंट्री रहती है, यहाँ पे फ्री एंट्री है पूरा। जैसे अपन ताजमहल भी घूमने जाते हैं तो ताजमहल में अपने को 50 रुपये कुछ टिकट है, लेकिन यहाँ पे मतलब टिकट का कोई दिक्कत नहीं है, तो वो चीज़ बहुत अच्छी है। और यहाँ का वातावरण एकदम शांति शांतिपूर्वक वातावरण है। तो यहाँ पे अभी हमने जूते निकाल के रखे, जूते अंदर अलाउ नहीं है, वैसे कोई भी मंदिर में जूते अलाउ नहीं रहते। तो जूते स्टैंड के बस आपको 2-3 रुपये खर्चा आएगा, 2 रुपये वो तो कॉमन है, देना जरूरी है। वो 2 जूते है, सेवा जूते जगह 2 रुपये की, पूर्ण 2 रुपये। तुम 4 रुपये का, ठीक है 4 रुपये। तुम नहीं कर, मैं अंदर आने वाला हूँ क्या? हाँ आना। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कुछ सालों पहले मतलब 1950 समथिंग, अभी मेरे को उतना डिटेल्स में नहीं पता, यहाँ पे उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकारा था, इसलिए ये जगह को इतना माना जाता है और दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। बाकी और जानकारी लेते हैं छोटी मोटी, आपको बताएंगे शॉर्ट में एकदम। तो वहाँ पे म्यूजिक जो बजा रहे थे अंकल, उनकी लिटरली मेरे को बाद में पता चला कि उनकी आंखें नहीं है।
जहाँ पे समता सैनिक दल वालों की प्रैक्टिस चल रही है। जो अभी आपने वीडियो देखे वो समता सैनिक दल वाले हैं। मैं तो पूरा वाइड एंगल में व्यू कवर करता हूँ, उसके बाद अपन देखेंगे अंदर बुद्ध भगवान की मूर्ति। अपन एंट्री मारने वाले हैं अंदर में। अंदर में कैमरा अलाउ नहीं है, देखते हिसाब से जितना शूट मिला उतना करेंगे अपन। ये पूरा अंदर का व्यू देखो। और वो जो मैंने आपको अभी दिखाया वो पूरा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की फोटोज़ की गैलरी थी, बहुत बड़ी गैलरी एक्चुअली, वो ब्लैक एंड वाइट फोटोज़ है सारे। और ये अंदर में देखो कितना, हाँ उधर पूरी गैलरी है फोटोज़ की। पकड़ो बड़े से, और ये पूरा खाली स्पेस है यहाँ पे। और ये सेंटर में गौतम बुद्ध की मूर्ति है, उनके सामने उनका पूरा पैलेस है, पैलेस ही है ना, पैलेस है। और उधर एक लकड़ी का पूरा एक स्ट्रक्चर ऐसे बनाया है, किसी ने गिफ्ट किया शायद, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पे बहुत पीसफुल वातावरण गौतम बुद्ध के भी, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना है जैसे बोलते हैं कि यहाँ पे जो बाबा साहब अम्बेडकर थे उनके टाइम का, मतलब वो जमाने से अभी तक के ये जैसे ही है। अभी इसका थोड़ा सा रिकन्स्ट्रक्शन चल रहा है धीरे धीरे, और ये अपने को बहुत खूबसूरत दिखाई देगा कुछ दिनों में। वैसे एशिया का सबसे बड़ा बुद्ध विहार ये है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए पर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप भी यहाँ पे आके एक बार विजिट दो, बहुत अच्छी जगह है, अभी और डेवलप हो रहा है ये तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय 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 काका। जय भीम, जय महाराष्ट्र, ठीक है, जय भारत, जय भारत। तो हमने जूते ले लिए यहाँ से, जूते जो रखे थे, और अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। ठीक है, चलो पहनो। रोग है लगा हुआ जो लिखता हर बात पे, मिलूंगा मैं मरा हुआ नशेड़ियों के साथ में, उस रात में मौजूद था जो तेरा है वजूद, बेटे नाचते हैं तेरे जैसे लड़के मेरे।